थियोरेटिकल एस्पेक्ट, मतलब आगे न्यूमेरिकली कम यूज होगा बट थियोरेटिकली इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव व्हेन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड। मतलब कह रहे पांच साइज, शू साइज कितने बच्चों का है, कह रहे थ्री, कह रहे अच्छा टोटल कितने हैं 13, तो ये कितना परसेंट हो गया 10%। इसका मतलब 10% ऑफ द टोटल शूज सोल्ड वर ऑफ साइज 50, रिलेटिव 10%। अच्छा 8 साइज कितने शूज बिके, कह रहे 9, कितने में से 30, कह रहे 30%, 30% सेल हुई है हमारी शू साइज 9 की, तो सबसे ज्यादा इसकी हुई है, तो इसका मतलब आगे ध्यान रखना कि इसका स्टॉक ज्यादा रखना, कोई भी रीजन हो सकता है ना स्टडी का, तो बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी परसेंटेज अकरेंस बताता है, 20% ये वैल्यू रिपीट हुई है, 80% ये हुई है, 30% ये हुई, परसेंटेज। अगर फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाए, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, चलो अभी हमने क्या करा, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज।